हनुमानगढ़ में तीन धर्मों का संगम एक ही जगह देखने को मिलता है। यहाँ दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारा सब एक साथ है। दूर दूर से सभी धर्मों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ गुरबानी, मंत्रों का जाप और अल्लाहू अकबर, तीनों आवाजें एक साथ सुनी जाती हैं। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को तीनों धर्मों के संगम की तरफ बरबसी खींच लेता है। यहाँ का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ एक प्राचीन पत्थर रखा हुआ है जहाँ हर गुरुवार को हजारों श्रद्धालु जुटते हैं और मन्नत मांगते हैं। इसे कष्ट निवारक पत्थर कहते हैं, जिसे हिंदू और सिख तो शिला माता के नाम से पूछते हैं, मुस्लिम इसे शिलापीर नाम से। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्म आ रहे हैं। मुस्लिम इसको किस तरह से पूछ रहे हैं? मुसलमान पीरों के नाम से मानते हैं, हिंदू शिला माता के नाम से मानते हैं। हम सारे मिलके आते हैं, जाते हैं, सब बीमारियां दूर होती है इस वीर पे, सब हमारी भावना पूरी होती है। सिख मिसाल इतने गुरुद्वारा साहब के नाल शिला पीर बड़ी इतिहासिक पीर है, सैकड़ों सालों तो उसकी पूजा होती है। और एक इतने मंदिर भी सिद्ध मंदिर माता का और हनुमान जी का बनया है, जिथे लोग भगत इतने गुरु घर भी आते हैं और उत्थे जाके भी श्रद्धा मत्था टेकते हैं। इस पत्थर की मान्यता इतनी है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख श्रद्धालु केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब से भी आते रहते हैं। मान्यता है कि अगर आपको शारीरिक बीमारी है या कोई पारिवारिक दुख है तो आप बस यहाँ आकर नमक और झाड़ू का प्रसाद चढ़ाइए और दूध से शिलापीर को धोएं तो हर तरह के कष्ट से निजात मिलती है और मन्नतें पूरी होती हैं। बिजली की प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ मन्नत मांगी थी, वो दूर हो गई हमारी, इसलिए मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ शिला पीर पे आए हैं। गुरुद्वारा भी और एक हनुमान जी का मंदिर भी है जहाँ हर गुरुवार को आते हैं, हमारी हर मन्नतें पूरी होती है और यहाँ हर बीमारी का इलाज भी होता है। लोग जब शिला पीर आते हैं तो मंदिर और गुरुद्वारे जरूर जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों। यहाँ तीनों धर्मों के आस्था के प्रतीकों का एक साथ होना एक मिसाल है। मान्यता है कि ये शिला घग्गर नदी में बहकर आई थी। इसकी पूजा सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह ने की थी। कहते हैं कि कोई यहाँ घग्गर नदी थी, घग्गर नदी के किनारे पर ये शिलापीर बाबा अपने तैर कर आए थे और गंगा सिंह महाराज ने सबसे पहले पूजा की थी और उसी समय से ये सारी प्रचलित चला आया है। जहाँ लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, वहाँ एक पत्थर ने लोगों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखा है। एक कहावत है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, यहाँ बिल्कुल सही साबित हो रही है। विश्वास कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, हनुमानगढ़।